This movie is encoded by Dr. Star. सैंटियागो, अपना सामान लाओ जल्दी 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 करो। रो मत, जल्दी करो। चलो चलो चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? बुझाओ इसे बुद्धू। हाँ बुझाता हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ हाँ खोलता हूँ खोलता हूँ। ए हटा ले। चलो चलो चलो, आवाज नहीं आवाज नहीं, जल्दी चलो। हम जरूर पहुंचे, नहीं करना पहुंच जाए। सवाल क्या आवाज है? चलो जल्दी करो। रुक जाओ, बोले जा दो, जहाँ हो वहीं पर रहो। जल्दी करो। यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर पेट्रोल है, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। तो जहाँ पर है वहीं पर रहे। सैंटियागो, छोड़ दो उसे, जाने दो, जल्दी आओ, आओ। जहाँ पर है वहीं पर रहे, जल्दी। ये यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पर भागो, जल्दी। आ जाओ, संभाल के। सैंटियागो, ये कर क्या रहे हो तुम? ट्रक में सामान डालो अभी इसी वक्त। चलो चलो तो संभाल कर, चलो कितना स्मार्ट दिख रहा है ना। फिर मिलते हैं। ओके बाय। फोन करना मत भूल। सैंटियागो, सैंटियागो, बात करता है क्या? सैंटियागो कहाँ थे अब तक? काम पर थे। हम एक गोल से पीछे हैं। सिर्फ एक? आपकी डाइट कैसे चल रही है? क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि चोट लगे। शिन पैड्स नहीं तो गेम नहीं। चलो जाओ, पहन के आओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब क्या? शिन पैड। आराम से, धीरे धीरे। नहीं दोस्त, चलो इधर आओ। बढ़िया। शांत हो जाओ, सैंटियागो आ गया।
कल मिलते हैं ना? मिलते हैं। ओके बाय। नहीं, मैं इसके टायर्स बदलने वाला हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गाड़ी काफी चल चुकी है। अच्छा, अगर इसे बदला नहीं गया तो टायर फट सकते हैं। ठीक है, बदल देंगे। आपको गाड़ी गैराज में लानी होगी। हाय। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात। गेम कैसा रहा? अच्छे से खेला ना? हम 4-2 से जीत गए। मैंने 2 गोल मारे, एक और बनाना चाहिए था। अगली बार बनाना। डैड को क्या हुआ है? तुम्हारे डैड एक ट्रक खरीदना चाहते हैं। क्यों? ताकि तुम अपना अलग काम कर सको। सेंटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारे लिए यही सोचा उन्होंने। दूसरा प्लान भी होता है। और वो क्या है? अमेरिकन ड्रीम। हम लॉटरी जीत जाए। क्या हुआ? ज्यादा मांग रहा है। बुरा हुआ। खाना नहीं खाना क्या? हे! सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है सब। मैं 6 महीने से किचन में काम कर रहा हूँ, मैं वेटर क्यों नहीं बन सकता? ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, तुम चाइनीज नहीं हो। तो क्या हुआ? ये अमेरिका है, तुम अमेरिकन हो, मैं अमेरिकन हूँ। तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है? अगर होता तो क्या वेटर बना देते? नहीं, तुम चाइनीज नहीं हो। चुप रहो। लाओ, पास करो। टॉमी, अपनी पोजीशन पर रहो। तुम्हें तो टॉमी, तुम्हें विंग पर होना चाहिए ना। ये फाइनेंस नहीं है, वो सिर्फ 7 साल का है। सीखना अभी से पड़ता है बैल। मुझे नहीं लगता कि टॉम को सॉकर इतना पसंद है। वो तो गोल। हे, बॉल प्लीज। समझदार। शाबाश टॉम। थैंक्स। Santiago, Santiago! Chalo, pass, pass! Come on, pass! Theek hai! Oh! Achha player hai! Haan, waqai! Tumne usse sikhaya hai kya? Uske khoon mein hai! शाबाश शाबाश। उसमें कुछ तो गड़बड़ है, बैलेंस सही नहीं है। ज्यादा ऊपर नहीं देखता, पैरों को ज्यादा ऊपर नहीं उठाता। दूसरी टीमें ऐसा ही सोचती हैं। फिर ये होता है। शाबाश सैंटियागो। आज खेल खेले बहुत अच्छा खेले है। कभी प्रोफेशनल मैच खेले हो? दरअसल प्रो टीम्स को कॉलेज के स्टूडेंट्स चाहिए और हम कॉलेज नहीं गए। तुम्हारा अगला गेम कब है? सैटरडे। यहाँ आते वक्त मैं प्लेन में किसी से मिला था। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा गेम देखे, वो एक स्पोर्ट्स एजेंट है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम इसके हकदार हो। देखिए, बुरा मत मानना पर मुझे काम पर लौटना है। मैं भी थोड़ा बहुत खेलता था। अच्छा, कहाँ? वैसे तो मैं कई जगह खेलता था पर ज्यादातर इंग्लैंड। इंग्लैंड। तुम्हारा नाम क्या है? सैंटियागो मुनियेस। ग्लेन फॉय। सैंटियागो, जल्दी चलो। मैं सैटरडे को मिलता हूँ सैंटियागो। जल्दी जल्दी। अरे यार, एजेंट्स तो मूवी स्टार्स के होते हैं, भला तुम्हें एजेंट से क्या मतलब? एक बात कहूं तुमसे, तुम्हारा बेटा बहुत काबिल है, वो स्टार बन सकता है। तुम्हें समझ में नहीं आता? पता है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो बड़े बंगलों में रहते हैं और दूसरे हमारे जैसे लोग जो उनके लॉन साफ करते हैं और उनकी गाड़ियां धोते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल प्लेयर बना तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो, सिर्फ पार्क में खेलने से और दिन में तारे देखने से सभी सपने सच नहीं होते। पता नहीं डैड, मैं इस आदमी से मिला और सब कुछ बदल गया, हालात भी। लेकिन हालात को मुझे बेहतर बनाना आता है अच्छी तरह। हम एक काम करेंगे, हम एक ट्रक खरीदेंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत बन चुका ख्याली पुलाव, एक ड्रिंक और देना, बात करता है। बेसबॉल, टेनिस, सॉकर, बास्केटबॉल, सब कुछ एक बटन दबाते हैं। 2552 नंबर सेव कर देना। बैरी, कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। वो एक नौजवान मेक्सिकन लड़का है इस इलाके में, उसने मुझे हैरान कर दिया। तुम जानते हो मैं जल्दी किसी से खुश नहीं होता। आखिरी बार हुआ था एक नौजवान पर जिसका नाम था जर्मेन डेफो। उस बारे में कुछ ना कहें तो बेहतर है ग्लेन। वो सैटरडे को दोपहर में खेल रहा है किसी कॉलेज के ग्राउंड पर। वेल तुम मुझे बताओ मैच कहाँ होने वाला है, मैं जरूर पहुँच जाऊंगा। 110 सुनकर खुशी हुई। ओ तो अच्छा, तुम यहाँ आए हो तो खाना खा के जाना, हमारे यहाँ इतना लजीज खाना नहीं मिलता है ना दोस्त। फिर मिलते हैं। हाँ दोस्त, क्या आप सैशमी लेना पसंद करेंगे सर? Come on! कोई बात नहीं बेटे, फिक्र मत करो। तुम्हें संभल कर खेलना चाहिए था। बाल, मुझे अपना फोन तो देना। यो, ग्लेन, ग्लेन, दोस्त, ग्लेन, मैं पगला नहीं हूँ, मैं कुछ भूलता नहीं, नहीं, मैं एक मीटिंग में हूँ, एक जरूरी मीटिंग में, सुबह से मीटिंग में फंसा हुआ हूँ। हाँ, तो सुनो दोस्त, एक काम करोगे, हाँ, मुझे तुम्हारे लड़के की टेप भेज दो। ग्लेन, झूठा, यहाँ पर यस, कम ऑन कर दिखाया सैंटियागो, तुमने कर दिखाया सैंटियागो, हम जीत गए। चलो चलते हैं। हाय दादी। कमाल कर दिया तुमने। शुक्रिया दादी। संतियागो, बहुत अच्छा खेले तुम। वेल डन। थैंक यू। ये मेरा छोटा भाई है। हेलो, कैसे हो तुम? मिलकर अच्छा लगा। और ये है मेरी दादी। ये मेरी बेटी वेल। हाय। तो क्या तुम एजेंट हो? नहीं नहीं नहीं, ये वो है जिन्होंने एजेंट को बुलाया है। पर वो आया नहीं, मुझे लगता है कि यू नो वो बहुत बिजी है। तो वो अगला गेम देखने आएगा? नहीं, अफसोस कि वो नहीं आएगा। वो कल वापस इंग्लैंड जा रहा है और मैं भी। तो देखा दादी, शायद डैड ने सही कहा था, सपने देखोगे तो दिल टूटेगा। फिर भी थैंक्स। हेलो, कौन है? मैं ग्लेन फॉय बोल रहा हूँ। ग्लेन फॉय, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ मिस्टर फॉय?
मैं दरअसल आप ही की खोज था जब आपने सबसे पहले काम शुरू किया था। आपने मुझे फायर कर दिया था नए नियम बनाने के बाद, लेकिन मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। ओ नहीं हो तो फिर मुझे सुबह 3:30 बजे कॉल क्यों किया? ओ सॉरी, मैं कैलिफोर्निया में हूँ। मैंने अभी एक नौजवान खिलाड़ी को देखा है, उसमें बहुत जबरदस्त टैलेंट है। किसके लिए खेलता है? लोकल लीग में, लोकल मैच में। बात यह है कि मैं कल घर वापस लौट रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें, अगर वो आपके पास आया तो आप उससे मिलेंगे, उसका गेम देखेंगे। तुम मुझसे ये वादा चाहते हो है ना? हाँ, बस एक बार उसकी गेम देख लें, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। अगर मैंने हाँ कहा तो मुझे सोने दोगे? हाँ मिस्टर डॉर्नहेल। तो फिर हाँ मिस्टर फॉय। ये बहुत जरूरी है कि तुम उनकी बात मान। सैंटियागो, हे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे कोच ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे। कौन है ये? ये इंग्लैंड से आए हैं, इन्होंने मुझे फुटबॉल खेलते देखा था। अगर तुम इंग्लैंड आ सको तो न्यूकासल यूनाइटेड में तुम्हें एक ट्रायल मिलेगा। न्यूकासल यूनाइटेड? बहुत बड़ा क्लब है। हाँ बहुत बड़ा क्लब है। ये क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इंग्लैंड में फुटबॉल खेल पाओगे? इन्हें लगता है मैं काबिल हूं। तुम क्यों इसके दिमाग में बेहुदा ख्याल डाल रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? और तुम फिजूल में हवा में उड़ने के बजाय अपने पैर जमीन पर रखो। चलो चलो आओ। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, इतनी दूर जाना, इंग्लैंड जाना, वो भी आपकी बात मानकर। मैनेजर ने मुझसे वादा किया है वो इसे एक ट्रायल देंगे, बाकी इसके ऊपर है। मेरी आंखों में देखो और सवाल का जवाब दो। दादी, क्या सेंटी प्रोफेशनल खिलाड़ी बन सकता है? मुझे यकीन है जरूर बनेगा। डैड, हमें देर हो रही है, रास्ते में ट्रैफिक हुआ तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरे नंबर है, सोच लेना मुझे कॉल करना। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। काफी है। काफी क्या? सब जानते हो तुम पैसे बूट में छुपाते हो। तो जा रहे हो? दादी ने कहा जाओ। और डैड क्या कहते हैं? उनसे मैंने पूछा नहीं है। इंग्लैंड कितनी दूर है? यही कुछ 25,000 रुपए दूर है। तुम चुपचाप सो जाओ अभी। मिलते हैं। बाय। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने ट्रक के लिए जो पैसे चुकाए हैं उसमें बेशक 1/4 तुम्हारा है, लेकिन बदले में आधा बिजनेस दे रहा हूं।
सौदा बुरा नहीं है। तुमने वो पैसे चुराए? तुम बीच में मत बोलो। आपको पता था पैसे किस लिए? दो हफ्ते में मैं पूरे पैसे जमा कर लेता। पर किस लिए? एक बेकार के सपने के लिए? बड़े आए इंग्लैंड में फुटबॉल खेले, कम ऑन, बचपना है ये। अगर कामयाब नहीं हुए तो बिना पेपर्स के लौटोगे कैसे? मुझे एक मौका मिला था और आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, आप जैसा बनूं? मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। मैक्सिको में दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता था और रात में होटल में सफाई करता था, लेकिन फिर भी बचत करके सबको अमेरिका ला पाया। और जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई, जब हमें छोड़कर चली गई, तो मैंने इस परिवार को संभाला। इसके बीच में मत लगा। घर की जरूरत के लिए काफी कमाता हूँ, बिजनेस इसीलिए डाला है। जिंदगी मेहनत करने से बेहतर बनती है, सिर्फ ख्वाब देखने और हवा में उड़ने से नहीं। ये आपकी जिंदगी है, मेरी नहीं। आपको क्या लगता है आप किस तरह से सक्सेस पाया है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज क्लब के लिए बहुत बड़ा दिन है। गेविन बहुत ही अच्छा प्लेयर है और यहाँ सेंट जेम्स के हमारे सेटअप में अच्छे से फिट हो जाएगा। मुझे उसे ये देते हुए खुशी हो रही है। देख लीजिए। थैंक यू। लीग जीतना तो खैर दूर की बात है एरिक, बाकी के सीजन के लिए आपने क्या लक्ष्य तय किए हैं? Well, पहले चार में आकर यूरोप के लिए क्वालिफाई करना इस क्लब के लिए सबसे जरूरी है। और इसके लिए आपको बाकी बचे गेम्स में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल करने होंगे। देखिए, पिछले दिनों में क्लब्स की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, समझे? पर अब मैं आ गया हूँ, ओके? और मैं यहाँ पर पैसे और शोहरत के लिए नहीं आया हूँ। मैं मैच जीतना चाहता हूँ, इसलिए ज्यादा पॉइंट्स कोई मुश्किल काम नहीं होगा, है ना बॉस? गेविन, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए हमें। आप आगे कैसे अपने करियर में प्लान? काम पे ध्यान दो। चलो चलो आ जाओ। तुम्हारे डैड कहाँ है? ट्रक का एक पार्ट लेने गए हैं। अच्छा, उन्हें कुछ भी बताना मत। ये लो तुम्हारे जाने की टिकट, और ये है मैक्सिको सिटी के लिए बस टिकट। मैक्सिको सिटी? तुम लॉस एंजलिस से लंदन सीधे नहीं जा सकते, तुम इलीगल हो। ये रहा तुम्हारा टिकट, और ये टिकट एक हफ्ते बाद का है। दादी, आपने इसके लिए पैसे कहां से लाए? जिंदगी भर काम किया, उसी से बचा लिया। क्या बेचा आपने? क्या गिरवी रखा? पुराना सामान था, बीते जमाने का। यानी अब वो रूम सिर्फ मेरा हुआ? यहां तुम्हें होमवर्क में मदद कौन करेगा? अब तुम पढ़ाई भी नहीं करोगे। ये करेगा। जाने से पहले शावर ले लेना, बहुत बदबू आ रही है। क्या मुझे आज ही निकलना होगा? बिल्कुल, तुम्हारे डैड आ जाएं इससे पहले। जाओ। जब तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई, तब मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुम दोनों के सपने जरूर पूरे करूंगी। तुम इसके हकदार हो सैन डिएगो। ये तुम्हारे लिए है।
हीथ्रो इंफॉर्मेशन, मेक्सिको सिटी से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले पैसेंजर कृपया गेट नंबर 14 पर जाएं। जाने की वजह क्या मतलब? काम से या घूमने? काम से। मैं खेलता हूँ सॉकर, फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। न्यूकासल यूनाइटेड। एक मिनट के लिए रुको, ये नौजवान तुम्हारी टीम से खेलना चाहता है मिस्टर हैंडरसन। न्यूकासल? जी सर। हमें तुम जैसों की जरूरत है। ग्लेन, तुम्हारे लिए फोन। सही से करना। हाँ ठीक है ठीक है। इसका हेड गैसकेट गया हुआ। हेलो, कौन है? सैंटियागो। तुम इंग्लैंड में हो? कहाँ? लंदन में कहीं पर। हाँ तो ग्लेन, मैं न्यूकासल कैसे पहुंचूं? आने वाली ट्रेन लंदन किंग क्रॉस से आई 10 बजे की ट्रेन। हे, कैसे हैं आप? तुमने मुझे एलए से कॉल क्यों नहीं किया? आने के बारे में मुझे बता देते। मैंने यहाँ का ठीक तो किया। ओ नो 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 नो, सब ठीक है। मैं बस, तुमने अचानक आकर मुझे हैरान कर दिया। तो तुम सेटल होने तक मेरे साथ रह सकते हो। ओके, वेलकम टू द टून। वो क्या है? वो जहाँ जॉडीज रहते हैं। जॉडी मतलब? वो जो टून में रहता है। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। आपका मतलब कोई कार्टून कैरेक्टर जैसे कोई खरगोश? थैंक यू। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, मतलब मैं और मेरी बेटी जिससे तुम मिले थे। और आपकी वाइफ? वो कुछ साल पहले चल बसी, उसे कैंसर था। ओह, आई एम सॉरी। मेरी दादी ने ये आपके लिए भेजा है। ओह ओह, ये तो ये दरअसल उनके पास बचपन से था। मैं इन चीजों में इतना नहीं मानता। वो आपको बहुत अच्छा इंसान मानती है। सैंटियागो, तुम्हारा डिनर तैयार है। सैंटियागो,
मुझे लगा आप फुटबॉल से जुड़े हैं। अब नहीं हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है। इनमें से कुछ कार्स की तरह रिपेयर करते हैं। रिपेयर करना, नया बनाना बस। 10 से पहले क्लब में कोई नहीं पहुंचेगा, तो तब तक तुम कुछ खा लो, थोड़ा नाश्ता कर लो। हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं, आई मीन रहने दीजिए। नहीं, मैं नहीं। इट्स ओके, ले लो, राइट की ओर है। ये उधार रहा। काफी अच्छा खेलते हैं। हाँ, सर्कस जैसा लगता है। सच कहा, सॉरी, ये लो। मैंने सुना है कुछ प्लेयर्स को गेविन हैरिस के साथ प्रॉब्लम है, उसका एटीट्यूड पसंद नहीं। वैसे 5 साल में 3 क्लब्स बदलने की कोई तो वजह जरूर होगी। मुझे लगता है वो इनसाइड में बेहतर खेलता है, अगर मूड में होता है तो वाइड में खो जाता है। सही कहा। तू क्या देख रहा है? सॉरी, बट आप लोग सॉकर की बात कर रहे हो ना? नहीं, फुटबॉल। हाँ हाँ, सही कहा। बात करने के लिए और है क्या? तुम कहाँ से आए हो? लॉस एंजलीस। ओ, क्या बात है, तुम वेंडी रॉस को जानते हो? बहुत खूबसूरत है। और तुम यहाँ क्यों आए हो? न्यूकैसल यूनाइटेड में मेरा ट्रायल है। ट्रायल यानी अवे? सच कह रहे हो लड़के? हाँ हाँ, शायद आज होगा। तुम ये ब्लैक पुडिंग मत खाना बेटे। वैसे ये है क्या? ये तुम नहीं जानना चाहोगे। यहाँ पर फुटबॉल एक धर्म है। लंदन में कई सारी टीम्स हैं और मिडलैंड्स में भी। मैनचेस्टर में 2 हैं, लिवरपूल में 2 हैं, ग्लासगो में 2 हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ द 2। वो रहा स्टेडियम। क्या वो मैनेजर है? एरिक डॉर्नहेम। हाँ, कभी कभी उनसे डर लग सकता है, लेकिन उनसे आंखें मिलाकर ही बात करना। मुझे नहीं लगता मेरी आंख से फर्क पड़ेगा, पैर से ही पड़ेगा। मिस्टर डॉर्नहेम, एक्सक्यूज मी, ग्लेन फॉय। हाय। ये है वो नौजवान जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हाय। लॉस एंजलिस से, सैंटियागो मुनियेज। कब बात की थी? जब मैंने आपको देर रात को फोन किया था, आपने इसे ट्रायल देने का वादा किया था। हाँ, एक मिनट प्लीज। तुम्हें अच्छा लगा? तुम भी हैट्रिक मारो, तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम्हारे पास घड़ी तो होगी, और मुझे यकीन है कि बहुत महंगी वाली घड़ी होगी। उस घड़ी में क्या टाइम हुआ है? सॉरी बॉस, मैं हॉस्पिटल में एक बीमार बच्चे को देखने गया था। सच कह रहा हूँ, पीआर वालों को वहाँ कैमरा लेकर आना चाहिए था, फोटो लेने का अच्छा मौका हो सकता था। वो एकदम बकवास ख्याल था। अंदर 6 जर्नलिस्ट बैठे हैं पिछले 50 मिनट से तुमसे बात करने के लिए। जल्दी अंदर आओ, और आज तुम रिजर्व्स के साथ ट्रेनिंग करोगे। क्या बकवास है। तुम कहां खेलते हो? लॉस एंजलिस। मेरा मतलब था कौन सी पोजीशन पर। हाँ, मेरी टीम के लिए मैं फ्रंट पर हूं, पर मुझे मिडफील्ड पसंद है, वहां बॉल ज्यादा आती है। इसे ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आओ, देखते हैं कितना दम है। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हे, घबराना मत। तो तुम यहाँ हो, कैसा लग रहा है सैंटी? ओके, गुड। मैं मैल ब्रेफे हूँ, क्लब कोच। मैं ग्लेन का तब से दोस्त हूँ जब से वो यहाँ पर एक खिलाड़ी था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। मैं सर नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोच हूँ। सर वो वहाँ बैठे हैं जो तुम पर नजर रखने वाले हैं। ऑलराइट, फिट हो ना? हाँ, बहुत अच्छे। ओके।
चला जाओ। सोच कर रहे हो? हाँ। फॉलो करो, फॉलो करो सर। एडी को बाहर लाओ। और बढ़िया। जल्दी। और पास इधर। संजय। कमान। तुम मिडफील्ड पोजीशन में खेलो। पास पास। संजय, तुम गेविन को जानते हो? नहीं। वो वहाँ पर है, वो वाला। ठीक है। वो वहाँ पे। ठीक है। हाँ, वहाँ पर। एडी को बाहर लाओ। एडी, बाहर आओ। ठीक है, ध्यान से सुनो, उससे जर्सी ले लो और पूरा जोर लगा के खेलना। टीम वर्क, टीम वर्क। ये माल, माल, ये जोकर कौन है? वो मेक्सिको से है, तो उसका ख्याल रखना। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा उसका। चलो चलो, पास करो। उस तरफ, उस तरफ। उसको बात करो। ओके। अच्छा कर रहे हो। तो कैसे हो मैं? हाँ ठीक हूँ। फैरी, हाय बॉबी, कैसे हो? चलो चलो, ध्यान लगाओ, नए लड़कों को भी गेम में शामिल करो। चलो चलो। क्या? हेलो, जोर से बोलो प्लीज। कितना? मैं वापस कॉल करता हूँ। शावर ले लो। तुमने अभी इसे देखा नहीं है मैल? मैं चाहता हूँ कि बस एक सिंपल सा मैल। चलो ठीक है, चलता हूँ। पता नहीं क्यों ग्लेन, मेरे पैर मेरे दिमाग का कहना नहीं मान रहे थे। मैं कल अच्छा खेलूंगा, कसम से। कल नहीं आने वाला है सैंटियागो। कार में बैठो। जानते हैं, मेरे डैड मानते हैं लाइफ में लोगों की एक जगह होती है। काम करो, परिवार का ख्याल रखो, मर जाओ, इसके सिवा कुछ और सोचना पागलपन है।
इट्स ओके, मैंने अभी अंदर किसी से बात की है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अंदर जाकर उनसे बात कर सकता हूँ, बस एक सेकंड में आया। मिस्टर जॉन हेल्म, ग्लेन फॉय आज सुबह मिले थे। सुनिए, यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, क्या सारी बोरिंग स्पीचेस खत्म हो गई हैं? मैं भी ऐसी एक बोरिंग स्पीच देने वाला हूँ, वैसे इस तरह आना मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे कॉल्स लिए होते तो मुझे आना नहीं पड़ता। तुम चाहते क्या हो? देखिए ये लड़का सैंटियागो मुनियाज, तुम यहाँ बैठना चाहोगे? जरूर, थैंक्स। वो देखिए, वो गरीबी और मुश्किलों में पड़ा हुआ है और वो अपने फुटबॉल के हुनर से ही आगे आ सकता है। वो मेरे कहने पर 6000 मील उड़कर यहाँ आया है। वो थका हुआ है, बहुत ज्यादा नर्वस है, जानते हो उसने कभी कीचड़ नहीं देखा, और यहाँ उसे ऐसे मैदान पर भेज दिया और आप अपना पूरा वक्त मोबाइल पर ही लगे रहे। मैंने तो उसे हर बार जमीन पर गिरा हुआ ही देखा। हाँ, लेकिन एक जादुई पल भी था जब उसने बॉल बाउंस होते ही उठाया, घूम गया और काबू में देखा था। अच्छा है, यह आपकी अच्छी खातिरदारी होती होगी। जब मैं खिलाड़ी तलाशता था, मैं अपना पूरा वक्त नौजवान लड़कों को देखता रहता, कीचड़ में एक दूसरे को गिराते रोकते हुए, और फिर अचानक कभी कहीं से कोई एक आता था जो दिल जीत लेता था, जैसे कि ये लड़का। उसे एक महीना तो दो। हाँ, तो तुमने मेरे बीते कल के बारे में जान लिया? बस ऐसे ही देख रहा था। मेरे वाइफ ने बनाई थी स्क्रैप बुक। आपने कभी बताया नहीं आप एक मेजर लीग प्लेयर थे। हाँ, लेकिन जितना वक्त चाहा उतना वक्त नहीं रह पाया। क्यों? इंजर्ड हो गया था। हर खिलाड़ी को इसी का डर रहता है। ये देखो, शॉर्ट्स छोटी थी, बाल लंबे थे, तब हमें साल के 80 लाख नहीं मिलते थे। फिर भी आप सब हीरो थे। ओ हाँ, फुटबॉलर्स हमेशा से हीरो रहे हैं। मेरे डैड के जमाने में भी जब हफ्ते के 500 रुपए मिलते थे और साथ ही काम भी करना पड़ता था। ये लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत स्पेशल है। तो मैं दे नहीं रहा हूँ, बस पहन कर देखो, देखना चाहता हूँ तुम कैसे लगते हो इस ब्लैक एंड व्हाइट में। क्या फायदा? फायदा क्या है? वेल, तुम्हें एक महीने का ट्रायल मिला है। अब अपनी दादी को फोन लगाओ। चलो चलो, स्टे लॉर्ड स्टे, लेफ्ट राइट वन टू थ्री फोर, ठीक करो, एक और, तुम्हें और भी स्टैंप मारने हैं। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये है सैंटियागो मुनियेज, ये मेक्सिको से है, लॉस एंजलिस से, लॉस एंजलिस जो भी है। हाँ, खैर, आज दिन खत्म होने से पहले तुम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करा लो। नहीं, मैं, चलो शुरू हो जाओ, चलो 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 चलो, आगे बढ़ते रहो, चलो, शाबाश, तुम लोग कर सकते हो, चलो, बहुत बढ़िया, चलो, 16, 17। Yes, आंटी, मैं एक बार मेक्सिको गया था। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा? एक हफ्ते तक सदमे में था। एक दिन गर्भ आओगे। हाँ, लेकिन आज नहीं। चलो चलो। थैंक यू। वेलकम। क्या तुम बैठोगे प्लीज? जरूर।
ये रहा। शायद प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि तुम इतने पास खड़ी हो इसलिए। नॉर्मल है। तुम क्लब की डॉक्टर हो? नहीं, मैं क्लब डॉक्टर की नर्स हूँ। वो तुम्हें जल्दी एग्जामिन करेंगे। तुमने सब फॉर्म्स भर दिए? हाँ, पर कुछ शब्द मुझे समझ में नहीं आए। ठीक है, कौन से वाले? जैसे ये वाला। ये है कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स। ओ नहीं नहीं। और ये वाला क्या है? रेस्पिरेटरी। तुम्हें लंग्स की या सांस की कोई परेशानी है? है क्या? नहीं। इस स्केल पर खड़े हो जाओ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? नर्स हार्मिसन। तुम्हारा पहला नाम? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा स्टार साइन क्या है, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ब्लड सैंपल लेना है। ओ, सचमुच? मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। पर तुमने तो टैटू बनवाया है, तुम्हारा अपना आइडिया है? नहीं, ये गैंग का है। तुम किसी गैंग में हो? अब नहीं हूं। गैंग से बाहर आने के तीन तरीके हैं। या तो गोली लगेगी, या जेल जाओगे, या मेरे मामले में कोई दादी हो जो लात मारकर दिमाग में अकल। थोड़ा तो दर्द होगा ही। क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, चलो फिर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम? क्या कर रहे हो? हटो, छोड़ो इसे। ना समझ, मैं तुम पे हंस रहा हूँ, दोस्त हंस रहा हूँ। छोड़ो इसे, वो बेवकूफ है वो। नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लड़ क्यों रहे थे? तुम्हें कितने दिन ट्रेनिंग के दिए? एक महीना। ये तो बहुत कम है, मुझे तो 6 महीने मिले थे। जानते हो, इससे पहले मैं ट्रैनमर रोवर्स में था। 14 साल की उम्र में ही मुझे साइन कर लिया गया था। ओ, अच्छा, कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। ये गिविन हैरिस, इसे अभी 80 करोड़ में साइन किया गया है। आज इस नए छोकरे के साथ डिनर करेंगे क्या जेमी? ह्यूम 53 साल का है। टीम के हर एक सेंटर बैक की टांग टूट जाए तभी उसके टीम में वापस खेलने का चांस है। तो फिर उसे मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम यहाँ नए आए हो और तुम में वो है जो उसके पास नहीं है, हुनर। हुनर? हाँ, पता है, ज्यादातर प्लेयर्स, मैं भी, हम अपने अंदर ही खेलते रहते हैं। हम अपनी मजबूती के सहारे खेलते हैं ताकि अपनी कमजोरियों को छुपा सकें। महान प्लेयर्स जिनमें हुनर है वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो उन्हें रिस्क समझते ही नहीं है। चलो अपना कोर्ट निकाल दो, अब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? ठीक है। वो बॉल को कंट्रोल करते हैं, बॉल उन्हें कंट्रोल नहीं करती। ये लीजिए, ये देखो, दो जैकेट्स और एक बॉल, बस इतना ही काफी है। और थोड़ा स्टैमिना नहीं है, मेहनत कर रहे हो। बस हो गया बेटे? हाँ, सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर घुमा सकता हूँ। आज रात को क्लब जाएंगे, ड्रिंक लेंगे, नए दोस्त मिलेंगे। ओके, मुझे आईडी लाना पड़ेगा। आईडी?
आइडेंटिफिकेशन। हाँ आई मीन ड्रिंक करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 11 काफी है। I give in. सुनो दोस्त, अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो क्लब में एप्लीकेशन डालो बुद्धू कहीं के। hey, सुनो Elvis, मैं भी क्लब में हूँ पता है। अरे दोस्त मैं भी क्लब में ही हूँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं ज्यादा आता नहीं हूँ ना। नर्स हॉमिसन। हाय। आप हमारे साथ इस क्लब में आना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं, सब बेकार लोग भरे हैं। अच्छा तो आप कहाँ जा रही हैं? हम स्पाई क्लास जा रहे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, चलो तो। चलिए। अपने अपने ड्रिंक्स लो। थैंक यू। काफी अच्छी वाइन है। ये स्पेन की है ना? तुम भी उसी इलाके से हो? नहीं, मैं एलए से हूँ। और मैं मर्सी साइड से हूँ। एलए और मर्सी साइड, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? Well, तुम बताओ। हम न्यू कासल के लिए खेलते हैं। तुमने तो कहा था प्लेयर्स लिमिट में नहीं रहते। रिलैक्स, ये रिजर्व्स में भी नहीं है। Well, जब तक तुम इसी तरह से शरीफ बने रहोगे तो तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। I'm sorry, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मतलब बदलना मत, तुम वो मत बनना जो नहीं हो। Well, मेरी लाइफ तो यहाँ आकर बदल ही गई है। मेरी परवरिश तो ऐसी हुई है जहाँ डैड की लाइफ सरकारी भत्ते से और मॉम की ट्यूशन से। चेंज तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब याद आया मुझे, तुम वो अंगूठे वाले हो। क्या? तुम्हारे पैर के अंगूठे में फंगस था। क्या? Oh. इसे कैसे पता चला? Oh. क्या ये बताना जरूरी था? मेरे ख्याल से जो तुम करती हो उसमें तुमने पूरी टीम को बिना कपड़ों के देखा होगा। अब बस भी करो, जानती हूँ क्या पूछने। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा किसका फिजिक सबसे अच्छा है, क्या कर रही हो? तो क्या जानना चाहते हो? सबसे बदसूरत कौन है? शायद जेमी होगा क्योंकि ये बता नहीं रही है। उसको भाग करो, भाग करो। चलो चलो चलो, उसके साथ रहो, साथ रहो। पीछे पीछे पीछे, पीछे पास करो, जल्दी जल्दी। ओके, आगे 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 आगे, तेरे पास बॉल पास करो, पास करो। बॉल पास क्यों नहीं की यार? हे मैल, मुनियस, याओ। चलो चलो लड़को, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन, आ जाओ सब लोग यहाँ पे। hey, मैल, मुझे 5 मिनट दो। ओके बॉस। थैंक यू। तो जब मैं गो कहूं जितना तेज हो सके गोल की तरफ भागना। ओके या गो। वापस आओ। फिर से गो। क्या सीखा तुमने? ये कि आप हाफवे से स्कोर कर सकते हैं? नहीं, ये कि बॉल तुमसे तेज जाती है इसलिए बॉल पास करते हैं। समझ गए? हम एक टीम है, कोई वन मैन शो नहीं। शर्ट के आगे जो नंबर लिखा है वो पीछे लिखे नाम से ज्यादा बड़ा है, समझे? हाँ। हाय सैंटी। हे। ये वाकई में फाइनल काउंटडाउन है न्यूकासल यूनाइटेड के लिए। इस सीजन में सिर्फ 3 गेम्स बचे हैं और चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने और उससे जुड़ी शोहरत पाने के लिए उन्हें आज के बाद होने वाला हर गेम जीतना होगा।
इस लड़के को। वेल, बॉल इतनी देर पास रही लेकिन मानना पड़ेगा कि न्यूकासल ने अब तक एक भी अच्छा मौका नहीं बनाया। खत्म हो गया। हाँ, वो इतना अच्छा खेल रहा है कि एक बार भी बॉल को छू नहीं पाया है वो। शायद उसे चोट लगी हो। हाँ, अच्छा बहाना है। राइट, उसे बाहर करो। ये न्यूकासल के लिए बुरी खबर है। अब इसी एक और इंजरी की कमी रह गई थी। उनके कई प्लेयर्स पहले से ही घायल होकर खेल रहे हैं। अरे ये क्या, गेविन हैरिस बाहर आ रहे हैं क्या? मैं ये सही है, गेविन को हटा दिया है। वो अपने आप को समझता क्या है? तुम सोच क्या रहे हो बुद्धू जर्मन? न्यूकासल यूनाइटेड के लिए सब्स्टिट्यूशन। बाहर आए नंबर 10 केविन हैरिस, उनकी जगह लेंगे नंबर 23 शोला एमियोबी। खेल में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कोई स्कोर नहीं है। वैसे चेल्सी अब भी फायदे की स्थिति में है। पैट्रिक क्लाइवर्ट। इवनिंग मिस्टर डॉन है। नहीं नहीं नहीं, अच्छी खबर है। क्या? मुझे रिजर्व स्क्वाड में जगह मिल गई है। ओह क्या बात। ट्रायल खत्म होने में 1 हफ्ता बचा है। ये गेम मेरे लिए करो या मरो सिचुएशन है। बॉस को अच्छा लगा तो मुझे टीम में रखेंगे। जरूर रखेंगे। हाँ, तुम न्यूकासल के लिए खेलते हो? हाँ। तो अपना ऑटोग्राफ दो ना। ओके। जल्दी ही सब तुमसे ऑटोग्राफ मांगने लगेंगे। तुम्हें उससे परेशानी होगी? तुम्हें फुटबॉलर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? मुझे फुटबॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है शोहरत से। गलती मेरे डैड की है। वो एक रॉक बैंड में थे जो 5 मिनट के लिए मशहूर हुआ। नामुमकिन। क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मुझे नहीं लगता, मैं 3 साल की थी। खैर, बात यह है कि कुछ खिलाड़ी मुझे उनकी याद दिलाते हैं। एक पल वो अच्छे सीधे साधे लड़के लगते हैं और दूसरे ही पल एकदम रईस औलादे जो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय डॉक्टर स्टार। मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। क्यों, क्या हुआ? मेरे डैड ने कभी वजह बताई नहीं। मुझे याद है तो बस उनका गुस्सा और पीने की आदत। उन्होंने कभी मुझे खेलते हुए भी नहीं देखा। मुझे गेम से प्यार है, फुटबॉल से। हर रात स्कूल के बाद और संडे चर्च के बाद मैं खेलता था इसी उम्मीद में कि एक दिन फुटबॉल मेरी जिंदगी बनेगी। तुम उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी दूर क्यों आए? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। आप उन्हें बताते क्यों नहीं दादी? क्या बताना है? सैंटियागो का फोन आया था। वो बहुत खुश लग रहा था। उन्हें गेम के बारे में बताओ। वो कल रात को खेलने वाला है रिजर्व टीम की ओर से। सिर्फ 3 हफ्ते में कामयाबी, अच्छी बात है ना? वो चोरों की तरह चला गया बिना हमारी इजाजत के, तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूं मां?
बैठो, ध्यान से सुनो। बैठो बैठो बैठो। डैगर की हैमस्ट्रिंग अब भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए हम उसे नहीं ले रहे हैं। सैंटियागो, मैं चाहता हूं तुम राइट फ्लैंक संभालो, लेकिन नंबर 8 पर नजर रखना, वो चालाक लड़का है। इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा। जेमी, मैं चाहता हूं तुम दो स्ट्राइकर्स के पीछे रहो, और याद रहे फुटबॉल खेलते वक्त तुम उनसे डरना मत। राइट, कम ऑन, चलो चलो चलो, आज कुछ करके दिखाएं साथियों, कम ऑन कम ऑन बॉयज, चलो कुछ कर दिखाएं। उनकी तरफ से खेलना है क्या? तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बस बहुत हो गया, आप सही कह रहे हैं। तुम जाओ। ओके, जाओ और जल्दी से नहाना। तुम्हें क्या हो गया है? कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ओके, देखो सैंडी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम में काबिलियत है, पर शायद तुम्हारे पास इंग्लिश गेम के लायक फुर्ती या स्टैमिना नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए एलए में ही खेलना ठीक है। तुम्हें जाने के लिए कहना होगा बेटे। Yes? क्या रोज यहाँ रहती है? रोज ही तुमसे कोई मिलने आया है? ओह नो मॉम, मैं अभी आती हूँ। क्या तुम ही हो एले से आए हुए नौजवान? हाँ, सैंटियागो। वो अभी आ रही है। थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं थैंक यू। मैं सालों पहले वहाँ गई थी जब मेरे हस्बैंड का बैंड टूर पर था। हम सनसेट में हयात हाउस में ठहरे थे, उन दिनों से राइट हाउस कह रहे थे। आप तो अपनी सहेलियों से मिलने जाने वाली थी। कोई जल्दी नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सैंटियागो। मुझे भी अच्छा लगा मैम। नाम बहुत अच्छा है उसका। प्लीज जाइए यहां से। क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ कहा टेस्ट के दौरान। मुझे अस्थमा है। ओके, तो क्या तुमने उन्हें बताया? अगर बताया होता तो वो लोग मुझे ट्रायल नहीं देते। तो उन्हें अब बता दो। बहुत देर हो गई है, उन्होंने मुझे निकाल दिया।
ओह सैंटी, आई एम सो सॉरी। मैं बस गुड बाय कहने आया। जा रहे हो कल? इतनी जल्दी क्यों? अगर मैं टीम में नहीं हूं तो मेरा यहाँ क्या काम है रोज? तो कोई दूसरी टीम क्यों नहीं ढूंढते? मैं बस बहुत बेवकूफ था जो सोचा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अफसोस इस बात का है कि लोगों को निराश किया। नहीं, सुनो, कोई बात नहीं। ग्लेन, मेरी दादी, मेरी दादी। ऐसा तो प्लेयर्स के साथ हमेशा होता रहता है। ये सब खेल का एक हिस्सा है। नहीं तुम अब समझ में आया तुम्हें टीम से बाहर क्यों कर दिया? बदतमीज कहेंगे। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पैराडाइज टैक्सीज। हाँ, एक टैक्सी भेजो, अर्जेंट है। मैं गैविन हैरिस बोल रहा हूँ और मैं क्लिंट ईस्टवुड। मुद्दे की बात करो ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही हूँ। मुझे टैक्सी चाहिए और जल्दी। क्या तुम ब्लेक लो गॉर्डन के आसपास हो? क्यों? गैविन हैरिस वहीं कहीं फंसा है, उसे कार चाहिए जल्दी। मेरे साथ पैसेंजर है, जानते नहीं? वो बड़ा आदमी है, पहुँच जाओ जल्दी से, समझे? जरा घुमा कर जाना होगा लड़के, वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम तो वो एलए वाले लड़के हो ना, तुम भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे स्टेशन जाना है। क्यों? मैंने गड़बड़ी कर दी। मुझे पूरा किस्सा रास्ते में बताना, जानते हो कोच लेट होने पर क्या करेगा? तो तुम गैविन हैरिस हो? हाँ, क्यों? तुम निकम्मे हो, पहले भी सुना है। चलो अंदर चले। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टर डॉन हेल्म, इस लड़के को छोड़कर क्लब बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं इसके साथ खेला हूं, इसके खिलाफ खेला हूं, इसमें काबिलियत है। हाँ, दूसरों में भी होगी, मेरा मतलब टेक्निकली। क्या वो तुमसे बेहतर है? वेल, मेरे बराबर का ही है। देखिए, हुआ यूं कि कल रात इसका इनहेलर खो गया, इसे अस्थमा है, विश्वास कीजिए। क्या यह सच है? हाँ सर, पर मैंने यह छुपाया। झूठ बोलना एक प्रॉब्लम है, अस्थमा नहीं है। इसका इलाज है शॉट्स, दवाई, एक्यूपंक्चर। क्या तुम्हारे यहां के डॉक्टर ने तुम्हें यह कभी नहीं बताया? मेरा कोई डॉक्टर नहीं है, बस एक फ्री क्लिनिक है एलए में। लोग तुम्हारी तरफदारी करते रहते हैं। मैं उन्हें सही साबित करना चाहता हूं सर, अगर आप मुझे एक मौका दे दो।
तुम इसके हकदार हो? हकदार हूं सर। गुड, डॉक्टर से मिलो, उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताओ और फिर ट्रेनिंग के लिए आओ, ठीक है? थैंक यू केविन। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब ये बताओ, तुमने डिस्कोटेक के कपड़े क्यों पहने और ट्रेनिंग के लिए 47 मिनट लेट क्यों आए? कर दी मैगो मैन, जितनी जल्दी हो सका मैं वहाँ पहुँचा। ये नहीं चलेगा, ये शरारत है। ओके, आखिरी बार, अब तुम जाओ। बात समझ में आई? दोबारा करने से पहले दो बार सोचेगा। लगा तुम मुझे पसंद नहीं करते। नहीं करता, पर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी बहन परेशान हो जाएगी। तुम उसे एंटोनियो बैंडेरास जैसे लगते हो। अगर उस पर लाइन मारी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संभल कर आना। ठीक है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ओके, बस पहुंच गए। ओके, हाँ, एक कदम नीचे। ठीक है। ओह माय गॉड, कितना सुंदर है। यकीन नहीं होता ना? नहीं, एक महीने पहले मैं शहर को गुड बाय कह रहा था और तुम्हें भी, और अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये अपार्टमेंट भी। इतने पैसे कहां से आए? गेविनो, मेरी दोस्त को हेलो कहो। हेलो। ओह, मैंने यहाँ लड़कियों को लाने की इजाजत दी थी। ओह, आई एम सॉरी, मैं जाऊं? मजाक कर रहा था भाई। कैसी हो? कैसे हो तुम? और हाँ, इसे अपना ही घर समझना, और यहाँ फ्रिज में सामान पड़ा है। ओह, टेक अवे पिज़्ज़ा सम लेडीज निगर्स। उसकी लाइफस्टाइल समझना मुश्किल है। वैसे अच्छा है, मुझे बचाया था, याद है? उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम प्रोफेशनल्स हैं, फुटबॉल हमारी जिंदगी है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मुझे कॉल करना था। बीवी कैसी है? ठीक हो ना? मुझसे मिलना चाहो तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हाँ हाँ, हमें दो चाहिए होंगे। चलो तुम्हें वहाँ वीआईपी एरिया में ले चलता हूँ, समझे? ओके। कॉलिन, कॉलिन, ये बहुत अच्छा ऑफर है, पर तुम उसके बारे में भूल जाओ। हाँ, मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि चेयरमैन निकम्मा है। अब मैनेजर ये बात जानता है और कुछ नहीं कहता, इसलिए वो बड़ा निकम्मा है। प्लेयर्स जानते हैं या ये सब बातें ड्रेसिंग रूम में किसी से छुपी नहीं रहती, या है ना डियर? या गैव, ऑलराइट, 24/7 दोस्त। हे सुनो, अब मैं फोन रखता हूँ और तुम भी रखो। ऑलराइट दोस्त।
कैसे हो दोस्त? अपनी हालत देखो मेरे यार। सैंटी को हेलो कहो। सैंटी सुना सब अच्छा चल रहा है? सैटरडे को रिजर्व्स में जगह बना ली। ओए ओए क्या बात। हाय कैसी हो तुम? तो सैंटी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड तक के लिए बन गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा ये काम किसने हैंडल किया? ग्लेन। ग्लेन फॉय? वो गैराज में काम करता है। दरअसल वो मैंने कहा वो, मुझे गलत मत समझना, वो बहुत अच्छा इंसान है, एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन मार्केटिंग के बारे में वो क्या जानता है? ब्रांड एंडोर्समेंट्स के बारे में वो क्या जानता है? अगले सीजन तुम टीम में शामिल हुए ना सैंटी, तो मैं तुम्हें दिलाता हूं एड कॉन्ट्रैक्ट, देख लेना। Hey, सुनो, तुम डांस करना चाहोगे? रहने दो, ये सालसा वाला है। नहीं थैंक यू, सॉरी। हेलो सेंटियागो। अरे भाई क्या हो रहा है, नामुमकिन। हे पापा, सेंटियागो आपसे बात करना चाहता है। कह दो मैं घर पर नहीं हूं। वो अभी बात नहीं कर सकते। ओके कोई बात नहीं। कैसे हो लड़कों, इन्हें बैक पिच पर ले जाओ, एंडी उन्हें स्ट्रेच कराओ। मुझे लात मारकर भगा दिया है ना। मेरी नजर तुम पर है ह्यूगी। हाँ मैं तुम्हें शावर में मिलता हूँ बॉबी। कैसे हो? कैसा हूँ? मैंने अभी रिजर्व लिस्ट देखी है, मैं टीम में नहीं हूँ, बेंच के लायक भी नहीं रहा, कुछ समझा नहीं। मैंने वहां खेला जहां आपने मुझसे कहा, वैसा खेला जैसे आपने कहा। मैंने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया बेटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम उन लोगों के साथ खेल रहे हो सैटरडे को लंदन में। न्यूकासल चेल्सी पर जीत के साथ किसी तरह आगे बढ़े, लेकिन उनके लिए इतना ही काफी नहीं है। लिवरपूल उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, और अब एक और नई परेशानी यह है कि न्यूकासल यूनाइटेड में इंजरीज की वजह से उनके लाइनअप में काफी सारे बदलाव किए गए हैं, और उनके सब्स्टिट्यूट सैंटियागो मुनेज एकदम नए और अनजान खिलाड़ी हैं। हाँ वो तो है। सुना है मार्टिन, लॉस एंजलिस के एक पार्क में उनको खेलते हुए देखा था ग्लेन फॉय ने, न्यूकासल के भूतपूर्व मिडफील्डर। वेल रिजर्व्स में अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों का ध्यान तो आकर्षित किया है, लेकिन इस मैच का लेवल कहीं ऊंचा है। सोचता हूँ कि आज मैच के दौरान अगर उन्हें खेलने का मौका मिला तो वो क्या और कैसे करेंगे। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? कुछ खास नहीं। कैसा लग रहा है आपको? ओ, अगर हमें 3 पॉइंट्स मिले तो मैं ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा।
यार। अरे चुप रहो यार, उसे एक मौका तो दो। तुम अच्छा कर सकते हो, चलो जाओ चलो। ओ रेफरी, पुलिस। मुनियाज, अब तुम्हारी बारी है। ये बहुत ही बोल्ड फैसला है, लेकिन इन हालातों में मुझे नहीं लगता है कि उनके पास और कोई चारा है, और इस नौजवान के लिए बहुत ही शानदार मौका है। अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है, जैकेट दो, बता दो कि तुम एक चैंपियन हो। आखिर है कौन? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है सेंटियागो, मैं उसका डैड हूँ। अगर उसने गोल मारा तो मेरी ओर से तुम्हें ड्रिंक्स। कम ऑन यार, आओ बैठो, कम ऑन, आओ आओ बैठो बैठो। शुक्रिया। न्यूकासल यूनाइटेड के लिए सब्स्टिट्यूशन, बाहर आ रहे हैं नंबर 13 कार्ल फ्रांसिस, उनकी जगह लेंगे नंबर 26 सैंटियागो मुनेस। कमाल है आपका लड़का बिल्लू। कमॉन, अगर वो प्ले बॉय शॉट लेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। उनको संभल कर रहना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी तरफ से जीतते तो दो, यू कैसम जरूर जीतेगा। शाबाश बेटे। सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं, और अगर नतीजा यही रहा तो न्यूकासल के प्लेयर्स के लिए आगे का सफर बहुत खुशी भरा होगा। शाबाश। ठीक है, अब आप लेट जाइए। हाँ बिल्कुल, चलिए। साल्सा मैन। उनेस, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, क्या बात है लड़को। जब तुम्हें पेनल्टी मिली तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा बहुत अच्छे गोल को। तुमने देखा कि दो प्लेयर्स तुमसे बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन तुम पास नहीं करते, खुद शोहरत चाहते हो। थैंक यू। हाय, कैसे हैं आप? अब उस बारे में सोचना बंद करो यार, वो बूढ़ा सबके साथ ऐसे ही करता है। तुम अच्छा खेले, सबने देखा है ना। जॉनी सैंटियागो, कंग्रेचुलेशंस, तुमने आज कमाल कर दिया। थैंक्स, मेरी पूरी फैमिली रियल मैड्रिड के फैंस हैं, मेरी दादी तुमसे प्यार करती है। Well, तो इसी तरह खेलते रहो, किसी दिन वहां पहुंच जाओगे। तो फिर मिलते हैं। मिलकर खुशी हुई। तुम तो जानते हो ये सर्विस है। गवीनो, मैंने अभी तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है जीजू। कैसे हैं? ये राहुल, सैंटियागो मुनेस। हेलो, मिलकर खुशी हुई। तुम इसके साथ कैसे? गाड़ी इसी के पास है। सही है। बहुत देर हो चुकी है, हमें अब चलना चाहिए। फिर मिलेंगे, मिलकर खुशी। हाँ दोस्त, चलते हैं। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। ठीक है। वो यहाँ एड फिल्म शूट करने आए थे। ओह, खूब पैसा मिलता है सैंटी। चलो यहाँ से चले, थकी हुई जगह है। क्या क्या मतलब है? कहाँ? ये मेरा शहर है बेटे। यार कहाँ रह गए थे तुम दोनों को? ढूंढने के लिए वो सर्च पार्टी भेजने वाला था।
थोड़ा और ऊपर चले हम। हे, अच्छी पार्टी है। असली पार्टी ये नहीं, तुम्हें क्या पता। चलो मेरे साथ आओ। इसे कहते हैं असली पार्टी। दोस्त ऐसे ही और मिस। हेलो बॉयज, fill your boots, son. It's your birthday. Shame on us. Excuse me. अरे वाह, इसे कहते हैं ना पार्टी। तुम्हारे टाइप की पार्टी नहीं है ना? पता नहीं मैं क्या कहूँ। यहाँ मौजूद किसी भी लड़की से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, well, कम से कम मुझे ऐसा लगता तो है। कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो बहुत लकी है। तुम और गैविनो कैसे मिले? ऐसी ही पार्टी में ऐसे ही लोग थे, एजेंट्स, मॉडल्स, फुटबॉलर्स। उससे कहना मत कि मैं चली गई, वैसे भी उसे पता नहीं चलेगा। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? कहने के लिए कुछ है ही नहीं सर, वो तो बस लोग पार्टी में। जब इस क्लब के साथ जुड़े हो तो इस क्लब के एम्बेसडर हो तुम। मिस्टर डॉनहिल, इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती तुम्हारी ही है, तुमने खुद अपने आप को इस हालत में डाला है। दूसरा प्लेयर कौन है? दूसरा मतलब? इसमें लिखा है न्यूकासल के दो प्लेयर्स थे, दूसरा कौन है? मैं नहीं बता सकता सर। मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे? नहीं। रॉस, रॉस, हे, मैं उस फोटो के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन सा फोटो? वो जो पेपर में छपा है। मैं बकवास नहीं पढ़ती। अच्छा, तो तुमने वो देखा नहीं है? मैंने उसे दिखाया था। पार्टी तो अच्छी दिख रही है, और कितनी लड़कियां थी वहाँ पर। हकीकत वो नहीं है जो दिख रही है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बिजी हूँ। अब यहाँ आए ही हो तो अपने दोस्त जेमी से मिलकर जाना, वो एग्जामिनेशन रूम बी में है। ए, हे सैंटी, तुम यहाँ कैसे? रिजर्व गेम के दौरान मुझे चोट लग गई, मुझे यहाँ MRI स्कैन करवाने के लिए भेजा है। कुछ नहीं होगा, आजकल हर तकलीफ का इलाज होता है। पता नहीं दोस्त, जब चोट लगी थी तो बहुत तकलीफ हुई थी, लगता है कोई जबरदस्त चोट है। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा साल लेसन में। उसका मेनिस्कस टूट गया है और लैटरल क्रूशिएट लिगामेंट फट गया है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, बस इतना बताओ क्या वो खेल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं। आओ दोस्त। हे ए दोस्त, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कमाल के हो, मेरा नाम लिया होता मैं बर्बाद हो जाता। हिसाब बराबर हुआ, अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। ठीक है, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। क्रिस्टीना भी इसीलिए चली गई। वो आ जाएगी? नहीं, नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे निकम्मे दोस्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोचो तुम्हारा फोटो पेपर में कैसे आया, ब्लूटो ने वो बेचा, और तुम्हारा वो दूसरा दोस्त कितने पैसे कमाता है उन जगहों पर ड्रग्स बेचकर जहां तुम जाते हो। तुम्हें लगता है मैं कोई नादान हूं जिसे ये सब पता नहीं होगा? ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। कितने साल बचे हैं हमारे पास? 10 अगर किस्मत अच्छी हुई तो, उससे कम अगर जेमी जैसे घायल हुए तो। हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी एक गलत टैकल और खेल खत्म। निकल जाओ, कहां ना निकल जाओ यहां से।
चलो हमें जल्दी निकलना। हाँ निकलते हैं, सब ले लूं? हाँ बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं है। तेरा सामान ले लो अंदर गाड़ी। डैड कहाँ पे? वो वहाँ फुहारे की मशीन सेट कर रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे एकदम संभाल के रखना वो सामान, कहीं टूट ना जाए। बहुत महंगी है क्या? हाँ बहुत महंगी चीजें हैं। हाँ ठीक है, कम ऑन डैड, चलो चले। हाँ हाँ डैड, उठो डैड, डैड उठो। हे ग्लेन, हे, मैं अखबार में छपी उस खबर के बारे में समझाने ही वाला था। सैंटियागो, मुझे एले से कॉल आया था, अपनी दादी से एक बार बात कर लो। ग्लेन, क्या हुआ? उसके पिता को हार्ट अटैक आया। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं उठा दूँगा। शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत किया। अपना ख्याल रखना। बहुत अच्छे, शाबाश, थैंक यू। हे बॉस, कुछ बात करनी है। हाँ कहो। उस फोटो में दूसरा प्लेयर मैं था। मुझे हैरत है। और मुझे लगा आपको बताना चाहिए, सैंटी को उस पार्टी में जबरदस्ती ले जाने वाला मैं था। वो तो जाना भी नहीं चाहता था, वो ऐसा है ही नहीं, वो अच्छा लड़का है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। लड़के लड़के रहेंगे, हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अब तुम्हारे लिए ये बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी उम्र क्या है? 28 साल। 29 शायद। हाँ शायद उतना ही। नौजवान खिलाड़ियों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, फील्ड पर और फील्ड के बाहर भी। मैंने सही कहा ना? मैं आपकी बात समझ रहा हूं बॉस। और ये कहने वाले आप पहले इंसान नहीं है। लंदन हीथरो के लिए फ्लाइट 19 बोर्ड हो रही है। सभी कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट अराइवल पर लिस्ट की जाएंगी। सैंटियागो, छोड़ दो उसे, जाने दो, जल्दी आओ, आओ जल्दी, भागो जल्दी जल्दी, भागो जल्दी, आ जाओ। सर बोर्डिंग शुरू हो गई। चलो चलो स्ट्रेच करते रहो, आज बहुत मेहनत कर रही है। कम ऑन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त प्लेन में होना चाहिए ना। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैंने खुद से कहा कम से कम अब मेरे पास एक बहाना तो है, मेरी नाकामयाबी का बहाना जो मैं दोस्तों और बाकी सबको बता सकता हूँ। अरे मेरे डैड नहीं रहे, मुझे घर जाना था, सब कुछ संभालना था। अब जानते हैं मुझे बहाना क्यों चाहिए था? नहीं, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे ऐसा सोचना सिखाया था।
उन्होंने मुझसे मेरा विश्वास छीन लिया था। उनके रहते मुश्किल था कोई भी अरमान, अरमान रखना, अरमान समझते हैं? हाँ। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर कोई मुझसे कह सकता है कि मैं काबिल नहीं हूं तो वो आप हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी बात सही नहीं लगी सही कहा सैंटी, यहां वापस आने का कोई फायदा नहीं। तुमने ठीक सोचा, अपना ख्याल रखना। हे, हाय। आप कैसा लग रहा है? मेरे डैड से मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई। उन्होंने भी तो कभी कोशिश नहीं की। नहीं, पर मुझे कभी माफ नहीं किया। तुम्हें नहीं पता होगा, कैसे पता चलेगा? और उन फोटोज का क्या जो तुमने घर भेजे थे? अब तो पता नहीं मेरा घर कहाँ है। घर है वो ग्रीन है, जिसके दोनों ओर एक एक गोल पोस्ट है। पुलिस, कैसे हो तुम? ठीक हूं बॉस। डैड को खोना मुश्किल वक्त होता है। मुझे याद है जब मेरे डैड मरे थे। हाँ, थैंक यू। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ग्राउंड्समैन टेंशन में है, उसके लिए मैदान अनमोल है। मैं बस देखना चाहता था कि कैसा महसूस होता है। मेरा मतलब इस मैदान पर खेलना। सैटरडे को पता चल जाएगा। चलो अब जाओ यहां से। प्लीज मुनीस। मैं लिवरपूल गेम के लिए टीम में हूँ। हमारे लिए टिकट तो भेजोगे ना? शाबाश सैंटियागो, शाबाश। वेल, मुझे तो यकीन था जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा। मैंने फिल से कहा था ना, इस लड़के में दम है। कहा था। ये हमारा उधार, ब्रेकफास्ट याद है? रखो। अरे छोड़ो ना, आ जाओ जश्न मनाने। ये तो केविन हैरिस है। कहाँ? पहले क्लब में कुछ दोस्तों से मिलेंगे, उसके बाद उनके साथ टाइम पास, याने मजे करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, पिज्जा खाने जा रहे हैं। क्या हम गाड़ी की रूफ बंद कर दें? मुझे बहुत ठंड लग रही है। जैकेट खरीद लो। विरोधी लिवरपूल के खिलाफ अगले 90 मिनट में न्यूकासल की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अगले सीजन यूरोप और उसके साथ मिलने वाली शोहरत, लेकिन उसके लिए आज जीतना ही होगा। प्राइवेट बॉक्स, बड़े हो गए।
तो क्या तुम सिंगल हो? ओके सुनो गाइस, आप जानते हैं आपको क्या करना है। नौजवान सैंटियागो मुनेस को खिलाने का फैसला किया है। सीनियर साइड में खेलने का ये उनका सिर्फ दूसरा मौका होगा। उनकी टीम को उम्मीद होगी कि वो वही करिश्मा दिखाएं जो उन्होंने फुलहैम में दिखाया था। सैंटियागो पर आ गया है, जोश को महसूस किया जा सकता है। दोनों टीम्स को जीत की सख्त जरूरत है। हमारे लिए एयरपोर्ट पिकअप है गॉर्डन। नहीं टॉमी, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। चलो बता दो इन्हें, जीत के बताओ। थोड़ी जगह दे, कब शुरू हुआ? बस बस अभी शुरू ही हुआ है। कितनी देर हुई है? एक मिनट हुआ। वो देखो सैंटियागो, और ये मौका गंवा दिया है लिवरपूल ने। और अब एलन शीरर न्यूकासल यूनाइटेड के लिए एक जवाबी हमले की तैयारी करते हुए, उनके राइट में सपोर्ट मिला स्टीफन कॉ, और अब मामला डायर के हाथ में, और अब हैरिस भी आ गए हैं। ये आए हैरिस, और ये गोल हैरिस। एक बेहतरीन शुरुआत न्यूकासल की ओर से। अपने क्रिटिक्स को जवाब देने का क्या शानदार तरीका है। न्यूकासल यूनाइटेड के लिए गोल किया नंबर 10 केविन हैरिस ने। रेफरी ने फाउल दिया है। फ्री किक लिवरपूल को, और उन्होंने उसे जल्दी से ले लिया। और एक कॉर्नर, एक फ्री हेडर, लिवरपूल बराबरी पर 1-1-1। ये गोल लिवरपूल के लिए किया नंबर 25 इगोर बिस्कैन ने। और बॉल एक बार फिर न्यूकासल के हाथ से छूट गई। पेरिस के पास, उनके पास मौका है शूट करने का। ओ बॉल अंदर, लिवरपूल फिर आगे 2-1। और ये दो गोल हो गए लगातार बगैर किसी जवाबी गोल के। ये बहुत ही तगड़ा झटका है न्यूकासल के लिए। क्या वो मैच में वापसी कर पाएंगे? लिवरपूल के लिए गोल किया है फिलैन पेरिस ने। तो मैच फिर शुरू सेकंड हाफ, जहां लिवरपूल बेहद मजबूत स्थिति में है, और इस दूसरे गोल ने फैंस के सारे जोश को खत्म कर दिया है। ओ बहुत अच्छा मौका था जेरार्ड के लिए। करीबी मामला, ये गोल होता तो न्यूकासल को बाहर होना पड़ता।
बॉब मुनिस। इस नौजवान में वाकई कुछ हुनर है और वो एलन शीरर के साथ कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बात करते हैं। किस बारे में बात करनी है बैरी? उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसके लिए कत्ले आम होगा। शिकारी इंतजार कर रहे हैं। जानता हूं, इसलिए उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। क्या कहा? न्यूकासल की ओर से जबरदस्त जवाब। लेकिन याद रहे, स्कोर यही रहा तो भी अगले सीजन यूरोप में लिवरपूल ही होगी। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और न्यूकासल के पास वक्त कम है। उन्हें कहीं ना कहीं से किसी विनर को ढूंढ कर लाना होगा। पीछे, कम ऑन। Well, ये एक बेहतरीन मौका न्यूकासल के लिए, लेकिन कौन लेगा ये शॉट? ए सांटी, इधर आओ। तुम लोग, उम्मीद है उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। खेल के कुछ ही सेकंड बाकी और सैंटियागो मुनिस शॉट लेने आगे आ गए हैं। वो जानते हैं कि पूरे शहर की उम्मीदें इन्हीं के कंधों पर टिकी हुई हैं। Come on. ऊपर वाला सेंटी को कामयाबी दे। सबसे नए और छोटे खिलाड़ी ने फैंस को जश्न मनाने का एक मौका दिया है। वो मेरा पोता है, ये उसका भाई है। हम उनसे मिल चुके हैं। कैसे मुमकिन है? वो यहाँ आए थे फुलहैम गेम देखने के लिए। बहुत खुश थे उस दिन, है ना? डैड यहाँ आए थे? ये बात सही है, मैं मिला उससे। हाँ, आए थे। कुछ सेकंड बचे हैं, वक्त लगभग खत्म। सैंटियागो, कोई तुमसे बात करना चाहता है। हाँ? सैंटियागो, हमने गेम देखा, जूलियो और मैंने, नहीं, ग्लेन की बेटी हमें लेकर आई थी। तुम्हारा जवाब नहीं बेटा। हाँ, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी तुम्हारे डैड के बारे में। हे ग्लेन, जानते हो जब मैं फुलहैम के खिलाफ खेला था, मेरे डैड ने वो मैच देखा, मुझे खेलते हुए देखा। वो शायद अब भी तुम्हें देख रहे हैं। सैंटी, सैंटी, सैंटियागो,
this movie is encoded by Dr. Star. This movie is encoded by Dr. Star. The
This movie is encoded by Dr. Star.